feel the waves cut through me, hypnotized by the sounds I'm breathing in. Hold tight, hold tight. वेलकम टू माई चैनल वंस अगेन एंड चलिए आपको दिखाते हैं चिड़ियाघर। तो हम आज हैं लखनऊ के चिड़ियाघर में। सो आपको बहुत सारी मतलब यहाँ पे चीजें दिखेंगी और बहुत सारे जानवर दिखेंगे। तो चलिए ज्यादा टाइम आपका नहीं लेते, चलिए दिखाते हैं आपको यहाँ के ब्यूटीफुल जो भी एनिमल्स हैं उनको। तो सो लेट्स गो। सबसे पहले आपको थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन दे देते हैं टिकट के बारे में। तो हम पहुंच गए हैं हज़रतगंज के पास जो चिड़ियाघर है लखनऊ का वहां, और ये है टिकट घर जहां से पर हेड 80 रुपीज़ का टिकट मिलता है। और यहां पे अगर आपको कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो इधर आपको इन्फॉर्मेशन भी मिल जाएगा। यहां से देख सकते हैं दर्शक सुविधा केंद्र जो है वहां पे आप जाएंगे तो आपको थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगी। और ये है चिड़ियाघर का मेन गेट, और यहाँ से टिकट चेक होगी और आप अंदर जाएंगे। और COVID-19 का ड्यूरेशन चल रहा है तो सैनिटाइज भी करेंगे, यहाँ पे सेफ है, आप आ सकते हैं। स्टार्टिंग में आपको मैप भी मिलेगा जिससे आपको थोड़ा आइडिया लग जाएगा कि हाँ किधर क्या है। और आपको स्टार्टिंग में ये कैंटीन भी मिल जाएगी छोटी सी, जो कि चिड़ियाघर की कैंटीन है। तो चलिए चलते हैं, आपको पूरा चिड़ियाघर घुमाते हैं और फिर और भी सारी चीज़ें बताते हैं। और ये एक और चीज़ हम बताना चाहेंगे कि ये जो है हज़रतगंज से 1 किलोमीटर के आसपास है, वहाँ से आप रिक्शा भी ले सकते हैं और वॉकिंग डिस्टेंस पे आप पैदल भी आ सकते हैं। टाइमिंग जो है 10:30 से 4 बजे तक की है और एवरी मंडे ये क्लोज रहता है। सिंह तो नहीं है, 1 2 3 4 5 6 है, तो 12 सिंह कैसे हुआ। बट ये लखनऊ का जो जू है काफी ब्यूटीफुल है, और यहाँ पे जो क्यूट क्यूट से बच्चे 12 सिंह है ना, ये और ही ज्यादा क्यूट लग रहा है। तो आप बच्चे लोगों को यहाँ ला सकते हैं, उनको काफी अच्छा लगेगा ये लखनऊ का जू। तो चलिए आपको और दिखाते हैं ढेर सारे मतलब जो यहाँ पे जानवर हैं उनके बारे में बताते भी हैं और अभी उनके बारे में कुछ एक्सप्लेन करेंगे, इंट्रोड्यूस करेंगे। तो चलिए तो अंदर आपको एक और टिकट घर मिलेगा, जो कि यहाँ से आपको दो चीज़ ऑप्शन मिलते हैं। एक तो ये मिलता है कि आप ये रिक्शा कर सकते हैं, जो कि इसका प्राइस जो है वो 200 है, और 200 में आपको ये घुमाएगा पूरा जितना भी चिड़ियाघर है वो आपको घूमने को मिलेगा इससे, और सारे जानवर आपको दिखेंगे।
तो आप इसको भी कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन ये है कि ये रेलवे स्टेशन है चंद्रपुरी रेलवे स्टेशन, वहीं से दोनों टिकट मिलेंगे आपको, तो ये आप ये भी ले सकते हैं। यहाँ का जो टिकट है 25 रुपीज़ है, आप इस पर बैठ के पूरा मतलब जितना भी चिड़ियाघर का एरिया है आप घूम सकते हैं। ये बच्चों के लिए भी काफ़ी अच्छा है कि उनको मज़ा भी आती है और थकते भी नहीं है। तो आप इस छोटी सी जो बाल गाड़ी जो भी है उसको ले सकते हैं। एक ये छोटा सा स्टेशन है बच्चों के लिए, ये आप देख सकते हैं कि ट्रेन है चंद्रपुरी रेलवे स्टेशन नाम लिखा हुआ है। तो आप इसको मतलब आप इससे भी घूम सकते हैं, इससे ये एक प्लस पॉइंट होगा कि बच्चा लोग मतलब बैठेगा आराम से पूरा घूम सकता है। तो ये यहाँ का जो टिकट है वो 25 रुपीज़ का है पर है 25 रुपीज़, और बच्चों का कम होगा। तो आप इस मतलब ट्रेन को ले सकते हैं और आराम से आप पूरा घूम सकते हैं। तो चलिए हम लोग टिकट ले चुके हैं और ट्रेन पे बैठ चुके हैं, तो चलिए आपको घुमाते हैं पूरा चिड़ियाघर। आप देख सकते हैं ये जो रेलगाड़ी है काफी अच्छी है, यहाँ से आपको सब कुछ दिख रहा है, आराम से आप बैठ के जा सकते हैं, बच्चे ही नहीं हम लोग भी बहुत मजे कर सकते हैं। तो यहाँ से सब कुछ दिख रहा है, ये देखिए राउंड राउंड में ये बना हुआ है पटरी रेलगाड़ी की, और आप बहुत ही इजीली सब कुछ वॉच कर सकते हैं कम टाइम में। आपको थकान भी नहीं होगी कि बहुत ज्यादा थक जाओगे या घूमने से, तो आप यही ले सकते हैं। मेरा मतलब ये अच्छा सजेशन है, बहुत मस्ती आएगी आपको, आप एज जो भी हो आपकी। खैर चलिए आपको हम दिखाते हैं और बाकी की चीज़ें। तो ये देख सकते हैं यहाँ पे लायन है और बहुत सारी चीज़ें आपको और भी दिखने को मिलेगी इधर से। तो चलिए आगे देखते हैं और कौन से एनिमल्स अब हम लोगों को दिखता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक एरोप्लेन जो है वो रखा हुआ है आर्टिफिशियल, और काफ़ी प्यारा है ये, मतलब लुक यहाँ पे काफ़ी अच्छा लगता है। बाकी सब ग्रीनी आप ये देख सकते हैं कितनी अच्छी ग्रीनी है, ये रोड पतले पतले बने हुए हैं और काफ़ी अच्छा लुफ्त आ रहा है। अगर आप पीछे बैठे तो आपको ये सारी चीज़ें देखने को मिल सकती हैं। ये देखिए यहाँ पे मंकी वाला कोई जोन है कि मतलब हाँ, पहले हुक्कू बंदर था, अब इस टाइम तो हुक्कू बंदर नहीं दिख रहा है, शायद इस टाइम नहीं है हुक्कू बंदर यहाँ पे। और ये इतनी ब्यूटीफुल व्यू है, ग्रीनी ग्रीनी आप इसका लुत्फ़ उठा सकते हैं। तो आप ज़रूर आइए यहाँ पे और मस्ती करिए, और मेरी तरह अगर आप चाहें तो ये रेलगाड़ी ले सकते हैं अंदर आके सब। बाकी और ये देखिए इधर हिरन वगैरह काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे मतलब एनिमल्स हैं, और आपको पूरे के पूरे दिख जाएंगे अगर इस ट्रेन को आप लेते हैं तो। और आपको इतना वो नहीं करना पड़ेगा, अगर वॉकिंग पे करना चाहते हैं कि वॉक करके आप देखना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं, आप वॉक कर सकते हैं और आपको मतलब रुक रुक के आप फोटोग्राफी भी कर सकते हैं, क्योंकि इसमें फोटोग्राफी करने में आपको काफ़ी दिक्कत आएगी। तो इसलिए अगर आपको फोटोग्राफी करनी है जानवर जितने भी उनके साथ वीडियोज बनानी है तो आपको रुकना पड़ेगा। तो फाइनली हम लोग पहुँच गए और feel the waves cut through me, hypnotized by the sounds I'm breathing in. Hold tight, hold tight, chemicals collide. Hold tight, hold tight, hold tight. Dripping lights paint the skies, all because
जंप कर रहा है ये। पाला मेरे ब्लैक बक। ओ भाई क्या मिल गया इनको। ओहो ये देखो। सो गाइज आपको कैसा लगा ये लखनऊ का चिड़ियाघर, लखनऊ का ये जू? तो अगर आपको अच्छा लगा तो आप यहाँ आइए और इंजॉय करिए। लखनऊ में ये जो प्लेस है काफी खूबसूरत है, अब तक तो आप देख चुके होंगे। अगर आपको ये वीडियो या ये ब्लॉग आपको अच्छा लगा तो प्लीज गाइज वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपको न्यू और प्लेसेस लखनऊ में या फिर बाहर की प्लेसेस आपको देखने को मिल सकती है। तो चलिए टाइम है ब्लॉग को एंड करने का। तो गाइज बी सेफ एंड गुड लक, थैंक यू सो मच।